If you want to teach counting to your child, then this video is for you. सबसे पहले नंबरिंग को इस तरह से एक लाइन में लिख लें. आप 1 to 10 भी लिख सकते हैं. मैंने 1 to 7 तक लिखा है. उसके बाद सेकंड लाइन में आपने क्या करना है, इन्हीं नंबर्स को रैंडमली लिखना है, यानी इनकी तरतीब को आगे पीछे करके 4, 2, 3, 5, 6, 7 इस तरह से आगे पीछे करके नंबर्स को लिख लेना है. उसके बाद ये पेज पकड़ाना है अपने बच्चे को, उसे देनी है पेंसिल और उसे बोलना है कि जो सेम नंबर्स हैं, एक जैसे नज़र आने वाले नंबर्स, जो भी तुम्हें लगता है कि नंबर्स एक जैसे, उनको लाइन की मदद से आपस में मिला दो. इससे क्या होगा कि 1 वीक के अंदर आपका बच्चा इन नंबर्स को पहचानना भी सीख जाएगा और बहुत जल्दी वो इन नंबर्स को लिखना भी शुरू कर देगा. सो ये बहुत एक आसान सी ट्रिक है जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं और घर पे ही उसको काउंटिंग सिखा सकते हैं. जैसे कि बच्चों को समर वेकेशंस हो चुकी हैं और बच्चे घर पे फ्री होते हैं और माँ को तंग करते हैं, तो आप अपने बच्चे को इस तरह से बिज़ी रख सकते हैं. स्पेशली वो बच्चे जो अभी स्कूल जाना स्टार्ट हुए हैं या जो छुट्टियों के बाद स्कूल स्टार्ट करेंगे, ये गेम उन बच्चों के लिए है. आप इससे बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं बड़े इंटरेस्टिंग वे में, कि बच्चे इंजॉय करेंगे काउंटिंग सीखते हैं. सो सबसे पहले क्या करना है कि एक लाइन में 1 से 7 तक यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिखी है, 1 से 10 तक भी लिख सकते हैं. और सेकंड लाइन में इन नंबर्स को आगे पीछे की तरतीब को करके लिखना है, यानी रैंडमली नंबर्स को लिखना है. उसके बाद क्या करना है कि बच्चे को कहना है कि इसमें जो नंबर्स एक जैसे हैं उनमें एक जैसे कलर्स करें. इससे बच्चे को नंबरिंग की पहचान भी होगी और वो जल्दी लिखना भी शुरू कर देगा. सो जो एक जैसे कलर्स किए होंगे जिन नंबर्स में, उनको आपस में मिला देना है. और इस तरह से ये इंटरेस्टिंग सी गेम जो है वो आपके बच्चे को बिज़ी रख सकती है और उसको कार्टून्स और स्क्रीन से भी दूर सकती है. सो अगर इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें. थैंक यू.